नमस्कार दृष्टि आई एस के टूडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का री देख लेते हैं पहला प्रश्न है इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया है इसका सही जवाब है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इसका सही जवाब है भारत अगला प्रश्न है विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है इसका सही जवाब है उन्नीस अप्रैल अगला प्रश्न है इंडिया हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय अगला प्रश्न है कोरोना संकट के मद्देनजर हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा की है इसका सही जवाब है राजस्थान अगला प्रश्न है इसराइल ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाल ही में एक रक्षा समझौता किया है इसका सही जवाब है ग्रीस अगला प्रश्न है चर्चा में रही समृद्धि मंदावत किस क्षेत्र से जुड़ी है इसका सही जवाब है साहित्य अगला प्रश्न है हाल ही में चपटे पैर की विशेषता वाला बांस में रहने वाला चमकादड़ भारत में पहली बार देखा गया है इसकी उपस्थिति कहां पाई गई है इसका सही जवाब है मेघालय अगला प्रश्न है हाल ही में जारी नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य है इसका सही जवाब है आठ अंतिम प्रश्न है चर्चा में रहा इन क्या है इसका सही जवाब है हेलीकॉप्टर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न भारत निम्नलिखित में से किन दो देशों के साथ त्रिपक्षीय वरुण अभ्यास में भाग लेने वाला है फ्रांस अमेरिका रूस जापान फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस अमेरिका इसका सही जवाब सी, फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेगा यूएई पहली बार भारतीय और फ्रांसीसी युद्ध पोतों के साथ इस समुद्री अभ्यास में भाग लेगा भारत और फ्रांस उन्नीस से यह अभ्यास कर रहे हैं भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के युद्ध उत्तरी अरब सागर और फारस की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेंगे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए जापान जर्मनी फ्रांस या फिर अमेरिका इसका सही जवाब ऑप्शन बी जर्मनी भारत ने जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है इसका शीर्षक है समुद्री वातावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से जुड़े शहर इस वर्चुअल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश केरल एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन शहरों कानपुर कोची और पोर्ट ब्लेयर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए यह समझौता स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी जर्मनी अगला प्रश्न है योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन किस खेल से संबंधित है बैडमिंटन टेबल टेनिस फुटबॉल या फिर हॉकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए बैडमिंटन योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन खेल से संबंधित है हाल ही में कोविड 19 के कारण योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2021 को स्थगित कर दिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी बी के साथ आयोजित एक आपातकालीन चर्चा में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी बी ए आई ने यह निर्णय लिया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बैडमिंटन अगला प्रश्न है स्वदेश निर्मित आई एन ए एस तीन सौ तेईस क्या है सबमरीन टैंक विमान वाहक या फिर हेलीकॉप्टर इसका सही जवाब ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन आई एन ए एस तीन सौ तेईस एक हेलीकॉप्टर है इसको गोवा में ए एल एच एम के थर्ड की पहली इकाई के रूप में नौसेना में शामिल किया गया इसका उपयोग खोज और बचाव विशेष अभियानों और तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर अगला प्रश्न है हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिड्स मोन्डेल का निधन हो गया वह किस देश से संबंधित थे कनाडा ब्रिटेन अमेरिका या फिर फ्रांस? इसका सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका फ्रिट्स अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया इनकी आयु तिरानवे वर्ष की थी इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नेतृत्व में कार्य किया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका अगला प्रश्न है वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है उदय शंकर शिव सुब्रमण्यम रमण, अजय त्यागी या फिर ऋषि कुमार शुक्ला इसका सही जवाब ऑप्शन बी शिव सुब्रमण्यम रमण। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष तमिलनाडु के शिव सुब्रमण्यम रमण हैं। इनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है इससे पहले इन्होंने भारत की पहली राष्ट्रीय उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी एनई एस -E एल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया इसके अलावा इन्होंने सेबी के कार्यकारी निदेशक का पद भी संभाला है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी शिव सुब्रमण्यम रमन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा प्रिंट कॉइन बना रहा है फ्रांस जापान रूस या फिर यूनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम नई डिजिटल मुद्रा ब्रिट कॉइन बनाने का प्रयास कर रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि नई करेंसी चलन में आने पर घरों व्यवसायों और बैंक द्वारा उपयोग की जा सकेगी वर्तमान में केवल बहामास के पास ऐसी मुद्रा है हालांकि चीन कई शहरों में इसका परीक्षण कर रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम अगला प्रश्न है हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है सुमित्रा भावे रिद्धि सेन विक्रम गोखले या फिर गिरीश कुलकर्णी इसका सही जवाब ऑप्शन ए सुमित्रा भावे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे प्रख्यात निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक थी सुमित्रा भावे एक सामाजिक वैज्ञानिक फिल्म निर्माता थी इन्होंने देवराई डोगी वास्तु पुरुष और कसाव जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए कार्य किया जो मराठी और भारतीय स्थानीय सिनेमा के चुनिंदा अभिजात वर्ग की फिल्में थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सुमित्रा भावे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर बीजू जनता दल इसका सही जवाब ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जे पहली पार्टी है जिसने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित किया है रिपोर्ट के अनुसार एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंडालको ने यह डोनेशन दिया है रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के डोनेशन का सबसे कॉमन सोर्स इलेक्टोरल बॉन्ड था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा अगला प्रश्न है देखो अपना देश किस मंत्रालय की पहल है संस्कृति मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय इसका सही जवाब ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश योजना के अंतर्गत खजुराहो के मंदिरों पर एक वेबिनार का आयोजन किया इस आयोजन का शीर्षक था खजुराहो में बने मंदिरों की वास्तुशिल्पीय भव्यता देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का प्रयास है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण काल लगभग 950 से 1050 ईसवी है इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा कराया गया देखो अपना देश वेबिनार का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग की साझेदारी से किया जा रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय अंतिम प्रश्न है रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलेगी मुंबई से विशाखापट्टनम अहमदाबाद से मुंबई दिल्ली से मुंबई या फिर मुंबई से हैदराबाद इसका सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई से विशाखापट्टनम कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की है रेल मंत्रालय द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चलाई गई है रोरो सेवा के तहत कलम्बोली से सात खाली टैंकरों को विशाखापटनम ले जाया गया जहां से तरल मेडिकल ऑक्सीजन लोड किया जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए मुंबई से विशाखापट्टनम अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए स्टे, स्टे मोटिवेटेड